अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण अडानी को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के कारण गौतम अडानी की दो दिन में लगभग 10% नेटवर्थ जो है वो कम हो गई है। वहीं अमीरों की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर से खसक कर सातवें पर आ गए। अडानी समूह के शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अडानी समूह के शेयरों में इस गिरावट से देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC को जबरदस्त झटका लगा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे सहयोगी चैनल बिज तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज में जरूर जुड़े। क्या इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक होगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस इक्विटी के पास अवेलेबल डेटा के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक LIC के पास अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्स और ACC में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इन कंपनियों के शेयर पिछले 2 कारोबारी सत्रों में 19% से 27% के बीच गिरे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया है। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। निरपेक्ष रूप से 24 जनवरी से अडानी टोटल गैस में LIC के कुल निवेश में 6,237 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस में 3,279 करोड़ रुपए, अडानी पोर्ट्स में 3,205 करोड़ रुपए, अडानी ट्रांसमिशन में 3,036 करोड़ रुपए, अंबुजा सीमेंट्स में 1,474 करोड़ रुपए, अडानी ग्रीन एनर्जी में 871 करोड़ रुपए और ACC में LIC के निवेश में कुल 544 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च LLC ने बुधवार यानी कि 25 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अडानी ग्रुप की सभी प्रमुख लिस्टेड कंपनियां जो हैं उन पर काफी ज्यादा कर्ज है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों को 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड भी बताया। इतना ही नहीं, फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट से भारतीय निवेशकों का सेंटिमेंट जो है वो बदल गया, उसके असरात हम अब देख रहे हैं। कुल मिलाकर 10 लिस्टेड अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 27 जनवरी को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। कुल मिलाकर 10 लिस्टेड अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 27 जनवरी को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेश फर्म की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप न्यूयॉर्क की हिंडनबर्ग रिसर्च पर कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार कर रहा है। उधर हिंडनबर्ग का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेंगे।